अब मेरी बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है और हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं, इसलिए मैं पूरा तैयार हो चुका हूँ। बस नानो ने तैयार होना आया यस, नहीं इस बार तैयार होना। बुरहान की जो बर्थडे है वो हमने घर में नहीं की है। डिनर होगा, डिनर हाँ, डिनर के लिए जा डिनर रहे पे जा हैं। रहे हैं। यस, आप नमाज पढ़ लें। तो गाइस अब मैं आपको दिखाऊंगा अपना पूरा आउटफिट। आउटफिट दिखाओ। आउटफिट ये मेरे जूते हैं और ये मेरे कपड़े सॉफ्टली ये है आपका पूरा आउटफिट और आउटफिट। ये और पैंट और मेरा आउटफिट ये तहरीन भी है। तैयार हो चुकी है। दिस इज माय शूज, दिस इज माय जीन्स, दिस इज माय ऑल ड्रेस, दिस इज माय शॉल। बच्चे जो हैं वो दोनों तैयार हो चुके थे और मैंने ना अयान को भी साथ ही तैयार कर लिया था, लेकिन वो रूम में बैठा हुआ था और ठंड भी ना बहुत बहुत ज़्यादा थी। तो इस वक्त हम लोगों ने जल्दी ही जाना था, मतलब हस्बैंड कह रहे थे कि बहुत लेट आवर्स में नहीं जाएंगे, ठंड बहुत ज़्यादा है, बच्चों को ठंड ठंड लग जाएगी, स्पेशली अयान को, तो इसलिए फिर जल्दी जाना था और जल्दी आने वाला सीन था। और कोई हमारा इतना स्पेशल नहीं था जाना, समझे ये एक बानी की बर्थडे का बहाना ही था। और काफ़ी टाइम हो गया था कि पूरी फैमिली जो है वो बाहर गई ही नहीं थी। तैयार हो गई आप? हाँ जी, हमारा भी तो दिखाओ हॉटपॉट आउटफिट। अम्मी का भी दिखाते हैं कि अम्मी कैसी लग रही हैं। ये देखें जी, अभी जूते नहीं पहने। हाँ, ये चप्पल पहन के जाएंगी। ये जो नहीं वो बाहर। अम्मी ने पहना है इसी ग्रीन कलर का सूट, डार्क सी ग्रीन है ये। हाँ जी जी, हमारे यहाँ पर लाहौर में कोई रिलेटिव्स तो है नहीं जिनके घर हमारा कोई आना जाना हो, कोई इस तरह की मतलब गेट टुगेदर हो या कोई इस तरह का इवेंट हो, कोई शादी हो, कोई ये हो वो हो, तो इस तरह का सीन हमारा लाहौर तक में तो है नहीं। तो बस जो बच्चों की छोटी मोटी खुशियाँ होती हैं ना, छोटी सी जो होती हैं खुशियाँ, इन्हीं को हम बड़े अच्छे से सेलिब्रेट कर लेते हैं और यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हम सब मिलकर एक साथ एक अच्छा सा हमारा यही हमारा गेट टुगेदर है, यही समझ लें आप, छोटी छोटी सी खुशियाँ, छोटी सी पार्टी। तो देखिए अयान भी आज माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, तैयार श्यार होके बैठा हुआ है और बस हस्बैंड पढ़ रहे थे नमाज, उन्होंने कहा था जब तक मैं नमाज पढ़ लेता हूँ आप लोग बिल्कुल बिल्कुल रेडी रहो जाने के लिए। अब हम जाने के लिए तैयार हैं, मिलते हैं आपको होटल में, मिलते हैं आपको रेस्टोरेंट में जाके। गाइस बहुत देर लगी है, ड्राइव मेरी नहीं रही थी कोई सी भी कार। अयान की जब बर्थडे थी ना तो हम लोग मैकडोनल्ड गए थे, वहाँ बर्गर शर्गर खाया था, लेकिन इस बार जो है हमने कहा था कि बट कढ़ाई पर जाएंगे क्योंकि रात को खाने वाला जो सीन था ना वो बर्गर से तो पेट नहीं भरता, तो इसलिए हमने सोचा कि ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे पेट भर के ये समझ लें खाना शाना खाया जाए, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं बनाया था। और केक वाला जो सीन था वो आपको मैंने ब्लॉग में दिखाया ही है कि वो स्कूल में कर लिया था हमने, तो यहाँ जो था वो एक्चुअली डिनर था, तो डिनर की जो थी वो पार्टी थी। और ये वाली टेबल नहीं थी हमारी, हमारी अगली टेबल थी और बुरहान साहब यहाँ बैठ गए थे। यहाँ जो है ना ये बट कढ़ाई, ये मेरी बहुत फेवरेट है, ये फूड पॉइंट मेरा बहुत फेवरेट है, तो इसलिए फिर मेरी ही मर्ज़ी से यहाँ सब आए थे बच्चे भी। यहाँ मैं तीसरी या चौथी बार आ चुकी हूँ, लेकिन उस वक्त जो है मैं वो व्लॉग्स नहीं बनाया करती थी, व्लॉगिंग नहीं करती थी। ये तो अभी मुझे 1 ईयर हुआ है, छोटा सा टाइम हुआ है, थोड़ा सा पीरियड अभी गुजरा है यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़े हुए, पहली सीढ़ी या पहला स्टेप कह लें वही है, अभी तो बहुत सफ़र बाकी है। तो गाइज़ यहाँ की जो मैं बता रही थी कढ़ाई बहुत बहुत लश, बहुत ही टेस्टी होती है। बाहर इतनी इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा, लेकिन ये ना फर्स्ट फ्लोर पे थी ना सीटिंग, तो यहाँ मतलब ऐसा था कि जैसे हीटर लगा हुआ है, और इतनी ज़्यादा हम लोगों को ना यहाँ गर्मी लगना शुरू हो गई थी। लेकिन जब आया सामने खाना तो फिर क्या सर्दी और क्या गर्मी, और भूख भी बहुत लगी थी, हमने कहा चलो भैया अब सब बातें छोड़ो और शुरू हो जाओ, निकाले ना इसमें स्टार्ट तो करेंगे ना तो पढ़ाई में, तो फिर ये हटा दे, ये प्लेट हटा दे, किस स्टार्ट वाला स्टार्ट नहीं करना है ना, नहीं मैंने तो नहीं खाना स्टार्ट से, नहीं यार नहीं ऐसे मैं तो खाना ना नहीं खाएगा, ये ले चलो ब्रांड आप लो इसमें डाल के खाओ, ये लो भाई नान लगाऊंगा और दो फ्रेंच फ्राइज। बुरहान को चाहिए थे यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज और
बर्गर वगैरह, मतलब इन्होंने यहाँ भी आके वही किया जो हर जगह करते हैं कि खाने में बहुत ही पीछे। गाइस मैंने अपनी बहन, अपनी नानों, अपने भाई, अपने पापा और अपनी मम्मा को अपनी तरफ से पार्टी दी है। और ये जितना भी हाँ खाना है इस सब का बिल कौन पे करेगा? बुरहान का, ठीक है ना? बुरहान खाना पे करोगे ना? मैं पूछ रही हूँ बाबा करेंगे। और देखिए अयान जो है ना, अयान यहाँ पर भी आकर लेट के खाना खा रहे हैं। ये देखिए अयान, ये देखिए कोल्ड ड्रिंक बात मार देगा। बहुत मजा आया है। और जो नहीं खाया था वो पैक कराया है ना। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने खाना खा लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं घर। और जितना खाया गया था वो खाया है, और नहीं खाया गया तो बुरहान ने नहीं खाया था ना, और तहरीम ने नहीं खाया था वो, फिर हम हमने वो पैक करा लिया है, अब हम घर जाके खाएंगे। आराम से लेट के खाएंगे क्योंकि ये बच्चे तो वैसे ही खाने में इतने पीछे इन्होंने यहाँ पर भी आके कुछ नहीं खाया। ये देखिए रायता भी ऐसे रखा है। और सैलेड तो हमने वापस ही करा दिया था क्योंकि हमारे घर में सैलेड वैसे भी कोई भी जो है वो शौक से नहीं खाता, तो इसलिए सैलेड तो वैसे ही वापस कर दिया। खाना शाना खा लिया था और अल्लाह का शुक्र अदा भी किया था, और फिर इसके बाद वापसी का प्लान किया है क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही थी। अगर टाइम बहुत ज़्यादा हुआ तो फिर और ज़्यादा ठंड हो जाएगी, इसलिए चाय शाय का और डिज़र्ट का तो कोई भी हमारा प्लान नहीं था, घर जाना था बस। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।